just need to go faster than the speed of light, far beyond the speed of light, and I can break the rule. अबे वो देख क्या वो अबे सही 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 है ना क्या बोलता है क्या की बात करूं मतलब अगर बात करनी हो तो कर ले भाई कर सकता है बात क्या दिक्कत है नहीं यार तो मत कर फिर पर नहीं यार अगर मैंने उससे बात नहीं करी तो मुझे रिग्रेट होगा और मैं रिग्रेट के साथ जीना नहीं चाहता तो तू करना क्या चाहता फिर मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ कूदना चाहता हूँ मौज काटना चाहता हूँ देख तू ना कंफ्यूज हो रहा है ठीक है सीधे जा उससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांग टेंशन की कोई बात नहीं है भाई जाके उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांग ले यार आई मीन देख टाइम दोबारा नहीं आएगा भाई जाके आईडी मांग ले बेचारा एक मिनट लेट्स गो कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे ये आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है मेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा Guys, I have to stop the vlog right now. Vlog में मुझे ये footage add करना पड़ेगा because Aman has messed up really bad. और उसका solution निकालने के लिए हमको एक scientific solution चाहिए. हमको वो चीज़ ठीक करनी है and the only way that I can find वो चीज़ ठीक हो सकती है that's by reversing time. I run so fast कि time reverse हो जाए और मैं past में चला जाऊँ और चीज़ें change कर दूँ. But आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ कैसे होगी? ये चीज़ होगी time dilation की मदद से. टाइम डायलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग बताया था कि लाइट से तेज कोई चीज़ नहीं हो सकती इमेजिन करो एक ट्रेन है एक ट्रेन चल रही है लाइट की स्पीड से 10 किलोमीटर पर सेकंड की कम स्पीड से लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड राइट उससे 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कम से अगर चलेगी ट्रेन विच इज़ 2,99,990 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है ठीक है उसके अंदर मान लो कोई बंदा बैठा है और वो ट्रेन की डायरेक्शन में 11 किलोमीटर के स्पीड से रन करना स्टार्ट करता है तो क्या होगा अगर वो 11 की स्पीड से रन करना स्टार्ट करेगा तो वो लाइट की स्पीड को एक्सीड कर जाएगा और आइंस्टाइन के लॉ इस चीज़ को सपोर्ट करेगा ही नहीं राइट यहाँ पे एक बहुत ही स्पूकी सी चीज़ होगी कि ट्रेन के अंदर का जो टाइम है वो एनलार्ज हो जाएगा वो खिंच जाएगा वो डायलेट हो जाएगा और टाइम ही स्लो हो जाएगा ताकि वो बंदा उतनी तेज़ भाग ही ना पाए टाइम ही खिंच जाएगा तो टाइम स्ट्रेच हो गया इसका मतलब कि अगर हम जितना लाइट की स्पीड तक पहुंचते जाए उतना ही ज़्यादा हमारा टाइम स्लो होता जाएगा और लाइट की स्पीड पे एग्जैक्ट स्पीड पे हमारा टाइम विल बी जीरो विल फ्रीज लेकिन अगर लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ अगर हम भागने की कोशिश करें शायद तब शायद हम टाइम को रिवर्स कर सकते हैं और तब हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं तो मैं भी यही ट्राई करने वाला हूँ मैं कोशिश करूँगा लाइट की स्पीड से भी तेज़ भागने की ताकि अमन सिन्हा ने जो मैस किया है उस मैस को हम बचा सकें So I don't know ये चीज़ होगी कि नहीं but I want you guys to remember please subscribe I just need to go faster than the speed of light far beyond the speed of light and I can break the rule
तेरे को शायद जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब रहने दे, छोड़ ना, बाद में कभी देखिए। अबे भाई क्यों? I just had a dream, sort of a premonition. अबे भाई इतना बिल्डअप लेने का मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को। जिन्हें समझना था वो समझ गया। कौन?